नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उषा की किरण में। मैं आपकी होस्ट इशिका बेस। आज हम लोग बात करेंगे रेनो की न्यूली लॉन्च काइगर के बारे में। इसमें हमको कंपनी ने कल ऑप्शंस दिए हैं, इंजन में एनर्जी इंजन भी है और टर्बो में भी। यही साथ पे हमको चार वेरियंट्स अवेलेबल हो रहे हैं। इसमें RXC से लगे RXZ तक है। आज हम लोग बात करेंगे टॉप वेरियंट के लिए। इसमें कलर ऑप्शन में हमको 6 कलर्स हैं, ठीक है। लॉन्चिंग कलर हम लोग को रेड में मिल रहा है, रेडियंट रेड है, ब्लू कैप्शन ब्लू है, और आज हम लोग मोगनी ब्राउन के बारे में बात करेंगे। इसकी प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो प्राइस हम लोग को ऑन रोड 5.5 से लेके 10.5 के बीच में प्राइसिंग रहेगा, ठीक है। इसमें सारे वेरियंट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यही हम लोग बात करते हैं फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ हमको सिल्वर क्रोम के साथ में रेनो का लोगो दिया हुआ है, साथ ही LED DRLs भी अवेलेबल हो जाएंगे। ट्राई ऑक्टा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी है, प्योर विजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, ठीक है। ये आपको देख सकते हो फ्रंट लुक में दिया हुआ है। साथ ही ऊपर हमको सिल्वर कलर की रूफ रेल भी दी हुई है। दोस्तों साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग को RXZ का लोगो मिल जाएगा कि कौन सा वेरिएंट आपको अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही हम लोग बात करें व्हील एज स्क्राइडिंग अवेलेबल हो जाएगी, साथ ही 16 इंच की व्हील हम लोग को मिल जाएंगे ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स के साथ में। यहाँ हमको ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाएगा, ठीक है। ORVM कलर हम लोग को अवेलेबल है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में, सिग्नल इंडिकेटर के साथ, ठीक। ये हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे हमको ब्लैक पियानो फिनिश आएगी। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें हमको डुअल टोन में अवेलेबल है, ठीक है। ऊपर आपको जो रूफ रहेगी वो ब्लैक कलर में आएगी, नीचे आप अपना कलर ऑप्शन अवेलेबल ले सकते हो। यही साथ आपको सिल्वर जो क्रोम है उसमें आपको रूफ रेल अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपको 60 kg तक लोड ले लेते हैं। तो पीछे से काइगर कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे हमको सी शेप टेल लैंप अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही हम लोग बात करें तो स्पॉइलर अवेलेबल आ जाएगा ब्लैक कलर में, जो आपको एसेसरीज पार्ट में अवेलेबल होता है। इसमें आपको काइगर में लगा हुआ है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हम लोग को रियर वाइपर भी अवेलेबल है। यहाँ मोनो में आप देख सकते हो रेनो का मोनो जो है, इसमें आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा जो सेफ रहता है। यहाँ पे स्किड प्लेट हम लोग को स्पोर्टी लुक के लिए दी हुई है, स्किड प्लेट अवेलेबल हो जाएगी। और ऊपर हम लोग देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना भी दिया हुआ है, पीछे से आप देख सकते हैं। और बूट स्पेस यहाँ से इस तरह से ओपन होता है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग को बूट स्पेस मिलेगा, पार्शल ट्रे अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हो टॉप वेरिएंट में आपको लगा हुआ आएगा। बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ हमको 405 लीटर का बूट स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। स्टेपनी हम लोग को काफ़ी मतलब बड़ा है बूट स्पेस अपना, आप काफ़ी सारा लगेज इसमें रख सकते हो। यही साथ में हमको आप देख सकते हैं स्टेपनी अवेलेबल हो जाएगी, जो 16 व्हील्स के साथ में हम लोग को मिलेगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। फोल्डेबल सीट हम लोग को मिलेगी, यहाँ से आप देख सकते हो फोल्डेबल है सीट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड साइड की। यहाँ पे हम लोग को 40 लीटर का पेट्रोल टैंक अवेलेबल है, ठीक है। यहीं पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हम लोग को लुक इस तरह से दिया हुआ है। आइए हम लोग पैसेंजर सीट की बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डोर हम लोग को दिया हुआ है ब्लैक पियानो फिनिश में। हमको डोर हैंडल अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे बॉटल के लिए स्पेस दिया है। चारों स्पीकर्स हम लोग को मिलेंगे, पीछे डोर पे भी दिया है। यहाँ पे आपको 4 ट्विटर भी अवेलेबल है, जिसमें आपको पीछे के लिए ट्विटर्स दिए हुए हैं। पावर विंडोज अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ से हम लोग अंदर की बात करते हैं। आप स्पेस देख सकते हो, स्पेस काफ़ी है यहाँ पे, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। साथ ही हम लोग को यहाँ पे AC के वेंट्स दिए, सेकेंड रो के लिए AC के वेंट्स हम लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं ड्राइवर साइड पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ डोर इस तरह से ओपन होगा आपका, आपको देख सकते हो चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगी, सारे स्विचेस यहाँ मिल जाएंगे। ORVM ऑटोमेटिक हम लोग को मिल जाएगा, अप एंड डाउन आप कर सकते हो। पानी की बॉटल के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप पानी की बॉटल रख सकते हो, जिसमें आपने देखा चारों डोर पे अवेलेबल है। यहाँ आपको साथ ही स्पीकर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ हम लोग को ट्विटर्स अवेलेबल हैं आगे। अब आइए हम लोग अंदर की बात करते हैं। कुछ इस तरह से सीट आपकी एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल भी है। आप देख सकते हो कि अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते हो। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पावर स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग हम लोग को पावर स्टेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप देख सकते हो टेल स्टेयरिंग रहता है। साथ ही हम लोग को यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए हुए हैं, जिसमें आप अपना रेडियो फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम का बटन मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, म्यूट वगैरह जो भी आपका रहेगा, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिजिटल मीटर अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैटरी के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा, फ्यूल के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये पेट्रोल के लिए दिया है यहाँ पे, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे देख सकते हो बैटरी के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा, कितना आप देख सकते हो यहाँ कितना किलोमीटर में आप गाड़ी चलाए हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि आप कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, पेट्रोल के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें म्यूजिक सिस्टम के बारे में, तो म्यूजिक सिस्टम हमको 20.32 सेंटीमीटर का मिलेगा,
ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है म्यूजिक सिस्टम, जो कि अदर गाड़ी से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आप देख सकते हो एसी आपको मैनुअल मिलेंगे, एसी के वेंट्स आपको फ्रंट में भी है और बैक साइड में मैंने आपको बताया था एसी आपको मैनुअल रहेगा, ठीक है। साथ ही हम लोग को यहाँ पे नया ऑप्शन आया है, टाइगर में वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हो यूएसबी भी कनेक्ट हो सकता है अपना। यहाँ आपको नीचे ऑप्शंस दिया है, यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है कि अपना मोबाइल वगैरह आप यहाँ पे रख लो। यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपको स्विच दिया है जिससे कि यहाँ पे लाइट भी जल जाएगी अंदर। यहाँ पे भी आपको देख सकते हो अंदर आप चार्जिंग सॉकेट भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। यहीं हम लोग बात करें तो मल्टी सेंस ड्राइविंग मोड भी हमको दिया है कि किस मोड में आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। स्पोर्ट मोड है, आपको इको मोड मिल जाएगा यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ा हुआ है। साथ ही हम लोग बात करें तो सेंटर कंसोल हम लोग को मिलता है, जो कि कूल बॉक्स है, कूलिंग होती है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप काफ़ी मतलब बड़ा है, आपको स्पेस काफ़ी है इसमें, आप अपने वाटर बॉटल जो भी ड्रिंक्स वगैरह आपको रही वो रख सकते हैं, ठीक है। साथ ही हम लोग बात करें तो आप इसको कुछ आर्म रेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, आर्म रेस्ट का भी आपका काम हो जाएगा इसमें। यहीं हम लोग बात करें तो एक बॉटल के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो अपनी। नीचे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा जिसमें कि कूलिंग भी होती है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आप अपने रख सकते हो। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ग्रे कलर में इसका डेस्क बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही हम लोग बात करें तो कैबिन लाइट हम लोग को मिल रही है आगे भी, ठीक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं वैनिटी मिरर अवेलेबल हो जाएगा, दोनों तरफ है हम लोग को, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट पर ये मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। बाकी अगर हम लोग बात करें गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको ABS, EBD भी है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, रिवर्स सेंसर है, रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। एयरबैग की बात करें तो आप टॉप वेरिएंट में 4 एयरबैग आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग बात करें आपको रियर वाइपर भी है, मैंने बताया था काफ़ी स्पेस आप देख सकते हो, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें रिवर्स सेंसर है, स्पीड और अनलॉक मिल जाएगा, चाइल्ड लॉक मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर ये होगी अब हम लोग की यहाँ की अंदर की बारे में बात। अब हम लोग बाहर चलते हैं, थोड़ा सा इंजन के लिए मैं आपको बताऊंगी गाड़ी में कितने ऑप्शंस है, क्या चीज़ें हम लोग को मिल जाएगी। अब हम इसके बोनट को ओपन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एनर्जी इंजन मिल जाएगा। यही हमको साथ में 3 सिलेंडर्स अवेलेबल है, एक्साइड की बैटरी भी मिल जाएगी, ठीक है। एनर्जी अगर हम लोग पावर की बात करें तो 72 PS पे 6250 का RPM जनरेट करता है 96 NM में। यही हम लोग बात करें अगर कंपनी जो हम लोग को क्लेम कर रही है एवरेज में, तो 18 से 19 के बीच का आपका एवरेज रहेगा। बाकी थोड़ा सा फिर अपनी ड्राइविंग पे भी रहता है कि आप रोड पे उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही हम लोग बात करते हैं इंसुलेशन भी मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग करते हैं अब बंद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो के दौरान मैंने आपको गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर दोनों कर सकते हैं। आप फिर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो आप देवास नागे वाले शोरूम पर विजिट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।